न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। बड़ी शिकायतें आ रही है, भाजपा के जो सांसद है, विधानसभा के सभ्य है, कॉर्पोरेटर्स है, जो भी मिलता है, जब भी चर्चा होती है तब एक ही बात आती है कि कोई काम ही नहीं करता। पर्टिकुलरली गुजरात में आप कोई संसद सभ्य या धारा सभ्य से एक पीआई को या पीएसआई को फोन नहीं करवा सकते, वो करते भी है तो सुनते नहीं है। कलेक्टर का कोई भी काम हो, आपका जायज काम हो, कलेक्टर नहीं कर रहा है तो आप कोई धारा सभ्य से फोन करवा के वो काम नहीं करवा सकते। अब दो बात हो सकती है, या तो ये जो नेता है भाजपा के वो मानते हैं कि हम यावत चंद्रो दिवा करो, जहां तक सूरज चंद्र है गुजरात में हमारा राज रहने वाला है, हमें क्या जरूरत है किसी का काम करने की। या तो वो जो बता रहे हैं नेता लोग, जो बता रहे हैं संसद सभ्य और जो धारा सभ्य कह रहे हैं कि ऊपर से सूचना है, गुजरात में ऊपर से सूचना है का एक ही मतलब होता है नरेंद्र भाई की सूचना है, सीएम की सूचना है, कलेक्टर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को और डीडीओ को, कि कोई भी नेता कोई भी काम लेके आए करना नहीं है तो हम क्या करें, हमारा कोई सुनता ही नहीं है, या तो उनकी सुनवाई नहीं होती है या वो कहना नहीं चाहते, या फिर बिना लेन देन पैसे लिए बिना वो काम नहीं करना चाहते। इसके सिवाय कोई चौथी बात नहीं हो सकती। या तो मुख्यमंत्री ना कह दिए कि कोई भी भाजपा का प्रमुख भी आवे, भाजपा का कोई नेता भी आवे, सुनना नहीं, या दूसरी बात हो सकती है कि वो खुद ही नहीं करना चाहते, या जो मैं कह रहा हूं कि बिना पैसे लिए हम किसी का काम करते ही नहीं है, ये भाजपा का मंत्र बन गया हो। मगर बड़ी शिकायत है। और एक बात ये भी है, मैं भी स्वीकार कर लेता हूं कि 2012 के चुनाव में भाजपा जीतने वाली है और वही भरोसा इन नेताओं को है कि हम काम करेंगे नहीं करेंगे, डंडे मारेंगे तो भी गुजरात तो पागल है, गुजराती पागल होते हैं, वो हमें जीता ही देने वाले, वो जीत जाएंगे। मगर मैं आज भाजपा के ये जो नेता है, चुने हुए जो प्रतिनिधि है या जो भाजपा के संगठन के अधिकारी है, उनको कहना चाहता हूं कि राजनीति में लंबी राजनीति करनी है तो आपको लोगों के और दूसरे वरिष्ठ आदमियों के काम करने ही होंगे। मैं तीन उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है हमारे भजन लाल का, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। बाबू जगजीवन राम जी ने एक दिन भजन लाल को फोन किया, तब वो जगजीवन राम जी फिर कांग्रेस में वापस चले गए थे, कटोकटी उठ जाने के बाद, इमरजेंसी के बाद वो जनता दल में चले गए, जनता दल के बाद उन्होंने खुद अपनी खुद एक पार्टी बनाई, कांग्रेस ये, वो भी पिट गई पूरी तरह, और फिर बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे। तो बाबू जगजीवन राम जी ने भजन लाल से कहा कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, मेरा एक पर्सनल काम है, मैं हरियाणा आ रहा हूं तो मैं सोचता हूं आपको मिल ही लूं, मैं इतवार को आ रहा हूं, आप फ्री है तो अगर हम बात कर लेंगे। भजन लाल ने कहा कि बाबूजी आप भोजन मेरे साथ ही करें, दोपहर हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। जगजीवन राम जी पहुंचे भजन लाल के बंगले पे, बड़ी आव भगत हुई, दोनों बैठे, खाना लग रहा था, और भजन लाल ने कहा कि बाबूजी हुक्म करिए, क्या कैसे होए, सब बात हुई थोड़ी, और बाबूजी कहने लगे कि भजन लाल मेरा एक पर्सनल काम है। उन्होंने कहा रुकिए बाबूजी, एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से ऐसा कहा वो लेके आ जा, वो एक चाबी, बड़ी चाबी और थोड़ी और छोटी चाबियां थी, वो झूला लेके आ गया। उन्होंने जगजीवन राम को हाथ में दिया, प्रणाम किया, बोले बाबूजी ये चाबी आपकी। जगजीवन राम देखते रहे कि भाई किसकी चाबी है, बोले आपके बंगले की। अरे बोले मेरे बंगले की चाबी, बोले हाँ जो बंगला वो आपके जनता अपने कांग्रेस जगजीवन राम के जो यहाँ के प्रमुख थे आपके, और उन्होंने आपका बंगला हथिया लिया था, वो बंगला मैंने खाली करवा दिया है और साफ सफाई भी करवा दी है, रंग रोगान करवा दिया है, और इसकी ये चाबियाँ है।
अब जगजीवन राम जैसे नेता जो भारत के नायब बड़ा प्रधान रह चुके हैं 50 साल राजनीति के, वो भजनलाल को देखते रहे, बोले मैं ये काम के लिए तो आया था आपके पास, मगर आपको कैसे पता चला? तो भजनलाल ने कहा कि जैसे ही आपने कहा कि मेरा एक पर्सनल काम है हरियाणा में, मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, तो मैंने पूछा सरकार में बैठे हुए हमारे अधिकारियों को कि बाबू जगजीवन राम की कौन सी फाइल है, कौन सा मसला है जो पूरा नहीं हुआ? तो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आपकी कोई ये इसके साथ झगड़ा चल रहा है, उन्होंने आपका बंगला हथिया लिया है और वो खाली नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि भाई कुछ भी करो, ये बंगला खाली करवा दो, और बंगला खाली हो गया और साफ सफाई भी हो गई है, चाबी आप ले लो। जगजीवन राम जी ने भी माना कि ये भजनलाल जो है वो मेरा भी बाप है, ये भजनलाल चिमन भाई ये सब बदनाम भले हो गए हो, पर उनकी 50 साल तक राजकीय कारकिर्दी चलती है तो इसी वजह से चलती है, चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, वो बड़े दिल लगा के लोगों के काम करते हैं तब जाके नेता बना जाता है। अगर आज भाजपा की चल रही है 25 साल से गुजरात में भाजपा की लॉटरी निकल गई है, आप भी हवा में ऊंचे उड़ गए हो, संसद सभ्य बन गए, धारा सभ्य बन गए, 3 बार चुने भी गए, मगर आप नेता नहीं बन पाओगे। हाँ, आप प्रतिनिधि बने हुए, चुने हुए प्रतिनिधि हो, भाजपा के प्रमुख बन गए हो, मगर आप लोगों के दिल पे राज नहीं कर पाओगे। तो भजनलाल से कुछ सीखो कि लोग मांग करें, कोई काम अपना बताए उसके पहले काम हो जाए, वो भजनलाल है। आपको भजनलाल की बुराइयां तो बहुत याद है, मगर भजनलाल का ये काम करने का तरीका भाजपा के नेताओं को सीखना चाहिए। और वही बात चिमन भाई के साथ थी, चिमन भाई गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और या तो वो मुख्यमंत्री होते थे या विरोध पक्ष के नेता होते थे, वो राजनीति से कभी बाहर नहीं हो गए, क्योंकि वो लोगों के बीच रहते थे, लोगों के काम करते थे। और कैसे काम करते थे? जब वो दूसरी बार सीएम बने तो प्रभुदास पटवारी जी ने उनसे कहा, जो गांधी जी के अनुयायी थे, तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके थे, बहुत बड़ा नाम है गुजरात में, नाम था उनका, प्रभुदास पटवारी जी ने कहा कि मेरे ट्रस्ट ने गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती उसके बगल में एक जगह मांगी है, वो बहुत सालों से भाई घूमती रहती है, कुछ होता नहीं है। सोगन दीदी हुई थी उसी समय ये बात हुई, चिमन भाई घर गए, उन्होंने अहमदाबाद के कलेक्टर को बुला के कहा कि देख ये फाइल मंगवा ले, प्रभुदास पटवारी का ये ट्रस्ट है, ये जमीन हमको प्रभुदास पटवारी को 3 महीने में दे देनी है, उनके पास कोई कागज साइन करवाने भी आपको नहीं जाना है, जो कुछ करना है आपको करना है, और 3 महीने में ये जमीन NA NOC जो कुछ करना है वो ट्रस्ट के नाम हो जाए, वो सब प्रोसीजर आपको करना है। कहीं भी बात रुकती है, कोई अधिकारी आपसे बात नहीं मानता है, आप मुझे बात करवा सकते हो, मगर 3 महीने के अंदर में ये प्रभुदास पटवारी को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कलेक्टर साहब, अगर ये काम आप मेरा कर देते हो 3 महीने में, तो कभी भी आप मेरे पास आके, कभी भी, जब मैं विरोध पक्ष में हूं, नहीं हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप मेरे पास जिंदगी में कभी भी आके एक बात मांगोगे, कुछ भी डिमांड करोगे, मैं मना नहीं करूंगा, मैं नहीं कानून बताऊंगा कि ये नहीं हो सकता, मैं आपका काम कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मगर प्रभुदास पटवारी मेरे लिए भगवान है और मैं उसे खुश कर देना चाहता हूं। साहब 3 महीने में चिमन भाई वो फाइल लेकर खुद प्रभुदास पटवारी के घर चले गए और वो फाइल उसके हाथ में रख दी कि ये जमीन आपके नाम हो गई, उसकी पेमेंट भी हो गई है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो ये चिमन भाई का तरीका है कि जो मुंह से निकला वो काम हो गया। और मेरा खुद का एक अनुभव मैं बताना चाहूंगा चिमन भाई का। चिमन भाई पटेल के साथ मेरे बहुत करीबी रिश्ते थे, और गुजरात में जब इमरजेंसी आई, बाबू भाई जसभाई की सरकार थी वो गिर गई, और
समाचार आए कि सरकार गिर गई है और गुजरात में जो पॉलिटिकल नेता थे उसकी पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई। मेरा भी नाम था, मेरे एक दोस्त प्रकाश पंड्या का भी नाम था, हम पकड़ाना नहीं चाहते थे, तो हम सब दो तीन मित्र बॉम्बे चले गए और हम सोच रहे थे कि क्या करें, ये कटोकटी इमरजेंसी का सामना करने के लिए हम क्या कर सकते थे। 8-10 दिन हुए और मुझे एक दिन मैंने सोचा कि चलो चिमन भाई से बात करते हैं। मैंने चिमन भाई पटेल को सुबह में 9 बजे फोन लगाया। मैंने कहा जी तो बोल रहा हूँ। बोले हाँ बोल। मैंने बोला मैं और प्रकाश बम्बई पहुँच गए हैं। बोले ठीक है। तुम उन्होंने तुरंत कहा कि जी तू संभल के बात करना, ये फोन टेप हो रहा है मेरा भी। हाँ बोल। मैंने बोला मैं हम मुंबई पहुंच गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1 बजे आप मुझे ये मुंबई का जो नंबर है, ये बॉम्बे का नंबर दे रहा हूं, वहां मेरे से बात करें। अब मैंने फोन रखने के बाद सोचा कि चिमन भाई 9 बजे अहमदाबाद में है और 1 बजे बॉम्बे आ रहे हैं, ये नंबर पे मिलने वाले, मतलब साफ है कि वो फ्लाइट से आ रहे हैं। हम लोग सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वहीं उनका स्वागत किया। वो भी खुश हो गए, बोले आप बिड़ी आप लोग कैसे यहाँ पहुंच गए। हमने कहा कि भाई 9 बजे आप अहमदाबाद में है, 1 बजे मुंबई बात करने वाले थे, तो हमने सोचा कि आप आ रहे। उनको लेने के लिए एक मिल मालिक की गाड़ी आई हुई थी, हम सब उसमें बैठे वहाँ पहुँचे मिल पर, मिल की ऑफिस पे चरनी रोड पर, और राजलक्ष्मी मिल की ऑफिस थी। और वहाँ उन्होंने कहा सेठ से हमको इंट्रोड्यूस करा, कहा ये जीतू भाई ये प्रकाश सब मेरे लड़के हैं, अभी यहाँ रहेंगे जहाँ तक कटोकटी चलती है वहाँ तक रहेंगे, या मैं उसका कुछ सेटलमेंट ना करवा दूँ वहाँ तक रहेंगे, तो इनको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े आप उसे दे देना, मेरे अकाउंट में लिख के दे देना। और बाद में हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आप कौन कहाँ रहे हो। मैंने बोला ये बैरिस्टर साहब के घर रहते और ये उनका नंबर है। उन्होंने एक चीट ऊपर एक पर्ची पे ये नंबर लिख लिया बैरिस्टर साहब का और कहा आप चलो मैं जब भी आपका सेटलमेंट होगा फोन करूंगा, आप मुझे फोन नहीं करना। हमने कहा ठीक है, हम चले गए। 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, एक दिन सुबह में वो नंबर पर फोन आया कि चिमन भाई पटेल बोल रहा हूँ, जीतू भाई या प्रकाश है तो दो। मैंने फोन लिया, उन्होंने कहा कि तुम बड़ौदा चले जाओ आप दोनों, याग्निक साहब से मेरी बात हो गई है और आपका नाम निकल गया है, मीसा का जो लिस्ट है उसमें से आपका और प्रकाश भाई का नाम निकल गया है। अब याद रखिए, भाजपा के नेताओं ये सुने, गुजरात का एक एक्स चीफ मिनिस्टर और विरोध पक्ष का नेता एक पर्ची पे लिखा हुआ नंबर, उस टाइम मोबाइल नहीं थे, मोबाइल में नंबर सेव नहीं होते थे, पर्ची पे लिखा हुआ मेरे हाथ से लिखा हुआ एक टेलीफोन नंबर 2.5 महीने तक अपने पास रखता है, 2.5 महीने के बाद वो याद करके, वो जब उनकी सेटलमेंट चल रही थी इंदिरा जी के साथ, वो हो गई सब सेटल हो गया, तब उन्होंने हमारा भी सेटलमेंट करवाया, हमारा नाम भी निकलवाया और 2.5 महीने बाद उन्होंने हमें फोन किया। तो ये कांग्रेस की काम करने की पद्धति थी, चिमन भाई की तो थी। तो हम भाजपा के नेताओं को कहना चाहते हैं, ये भजन लाल ये चिमन भाई जो 25 साल 50 साल तक अपनी कैरियर बना के रखते हैं, वो लोगों के काम करके अपनी कैरियर बनाते हैं, तो फिर वो पक्ष भी बदल देते हैं, पार्टियां भी बदल देते हैं, नई पार्टियां कर लेते हैं, लोग उनके साथ रहते हैं। तो अगर आप भाजपा के नेता अपनी लंबी कैरियर बनाना चाहते हैं तो लोगों का काम इतनी चाव से करो जैसे कि अपना ही काम हो, जैसे कि ये काम किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मगर पता नहीं क्यों भाजपा के सब नेता काम करने में बहुत उदासीन है, उन्हें पब्लिक का बड़ा भी काम हो, कलेक्टिव भी काम हो, तो वो उन्हें वो करना नहीं चाहते। तो आज अच्छे दिन है आपके, आप चुनाव पे चुनाव जीत रहे, जब बारी आएगी कि चुनाव पे चुनाव हारते रहोगे तब आपको पता चलेगा कि लोगों का काम नहीं करने से क्या हालत होती है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।